आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं FTR न्यूज़ चैनल। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, जल्द सब्सक्राइब कीजिए। गुज़िश्ता 2 साल से दीगर वजूहात की वजह से तलबा व तालिबात स्कूल्स को हाजिर ना होने की वजह से इसका इनकी बुनियादी तालीम पर काफ़ी असर पड़ा। बहुत सारे तलबा पढ़ने और लिखना भूल चुके हैं और इनकी दिलचस्पी भी पढ़ाई में ना के बराबर हो गई। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम स्कूल्स में 100 दिन पर मुश्तमिल रीड प्रोग्राम का आगाज़ किया, ताकि तलबा के मियार को बढ़ाया जा सके और भूले हुए चीज़ों को दोबारा याद कराया जा सके, जिसके काफ़ी बेहतर नतायज बरामद हुए। इस 100 दिन के प्रोग्राम को तेलंगाना भर में हुकूमत की जानिब से 22 फरवरी को स्कूल्स में लॉन्च किया गया। आज इस प्रोग्राम के 54वें दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस खसूस में संगारेड्डी ज़िला परिषद हाई स्कूल पुतरटपल्ली में मोहम्मद जाकिर हुसैन, गजेटेड हेडमास्टर व रियासती काउंसलर, तेलंगाना प्रोग्रेसिव टीचर्स फेडरेशन की सदारत में 54वें दिन मुकम्मल होने पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब से ख़िताब करते हुए इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को पाबंदी से स्कूल में कामयाबी के साथ और दिलचस्पी के साथ मुनक्किद करने पर असातेज़ा की काफ़ी सताइश की और तलबा की दिलचस्पी को